नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडियन बिलियनर गौतम अडानी ने मंगलवार को अमेरिका बेस्ड शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और गलत आरोपों का संयोजन बताया है। अडानी एंटरप्राइजेस के एनुअल जनरल मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद हमारी रेपुटेशन को डैमेज करके मुनाफा कमाना है। 24 जनवरी को हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। इसके बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 3500 रुपये से गिरकर 1000 रुपये के करीब आ गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 61 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें वैज्ञानिक इंजीनियरिंग ST के 4 और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग SC के 57 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जयपुर के JK लोन हॉस्पिटल के वार्ड में सोमवार रात AC में आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में 30 से ज्यादा बच्चों को वार्ड से बाहर निकालकर दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि आग के ज्यादा फैलने से पहले ही वार्ड और उसके पास वाले वार्ड में भर्ती 30 से ज्यादा बच्चों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर लिया गया। अग्निशमन के अधिकारियों के मुताबिक हॉस्पिटल का फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा था, जिसके चलते आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जापान की पुलिस ने 51 साल की महिला हिरोको हतागामी को करीब 3000 फेक इमरजेंसी कॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये महिला पुलिस अस्पताल फायर ब्रिगेड को 3 साल से फर्जी फोन कर रही थी। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वो अकेली और बेरोजगार है और वो चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, उस पर ध्यान दे। दरअसल हिरोको हतागामी जापान की राजधानी टोक्यो के नज़दीक मात्सुरो शहर में बेरोजगारी भरा जीवन काट रही थी। ऐसे में वो अपने घर, पड़ोस और मार्केट की लोकेशन भेजकर फर्जी इमरजेंसी कॉल किया करती थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन का आगाज किया, तो सोमवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पेपर लीक, महिला उत्पीड़न व भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दुष्कर्म व दलित अत्याचार में नंबर 1 है। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़ गए हैं। सरकार की योजना भवन में नकदी व सोना बरामद हुआ है। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।